आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2023 हीरो एक्सपल्स 200T, वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कितना आपको इसका प्राइस अब ऑन रोड पे करना पड़ेगा, वो सब हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इसका टेस्ट राइड भी हम ये वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो ऑन रोड प्राइस इसका हैदराबाद का है 1,68,000 रुपीज़। बात करते हैं कि इसके अंदर आपको चेंजेस क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले फुल्ली एलईडी हेडलैम्प मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे ही इग्निशन को ऑन करेंगे तो ये जो यहाँ पे एलईडीज दिए गए हैं वो ऑन हो जाएंगे। जैसे आप इंजन को स्टार्ट करेंगे हाई बीम एंड लो बीम आप इसका यूज़ कर सकते हो। बॉडी कलर्ड आपको यहाँ पे वाइजर दिया गया है हीरो। यहाँ पे जो नया अपडेट दिया है वो है कि यहाँ पे आपको ये जो सस्पेंशन है इसमें आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। टायर जो है यहाँ पे आपको MRF का देखने को मिलता है। टायर की साइज़ 100x80, 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि अब आपको इसमें 4-वॉल्व इंजन मिलता है। ये 200cc का 4-वॉल्व इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 19.1 PS का और इसका जो टॉर्क है वो है 17.5 Nm का। ये एयर प्लस ऑयल कूल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल कूलर है ये साइड में आपको देखने को मिलता है। साइड में है, ऊपर आपको प्रोटेक्शन भी दी गई है। अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो इंजन का हेड है वो भी बॉडी कलर्ड आपको ये दिया गया है। टैंक पे देखोगे तो ग्राफिक्स वगैरह चेंज कर दिया गया है। हीरो का नाम लिखा गया है, एक्सपल्स यहाँ पे लिखा गया है, 200 यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको किक भी दिया गया है। सीट न्यू आपको सीट मिलती है, पहले वाले में कंफर्टेबल जो सिटिंग पोस्चर था उतना अच्छा नहीं था, कंफर्ट भी उतना अच्छा नहीं था। एंड ये एक नई अपडेट है, यहाँ पे आपको क्लासिक स्टाइल का ग्रैब रेल दिया गया है। आपको अब इसमें MRF का रेडियल टायर मिलता है, ये 130 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, इसमें आपको अब 7 स्टेप एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप चाहो तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये जो हैंडल बार है इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, अब आपको थोड़ा ज़्यादा वाइड हैंडल बार मिलता है। अब यहाँ पे आपको दी गई है LCD स्क्रीन जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो आपको कॉल की नोटिफिकेशन, मैसेज की नोटिफिकेशन वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम आपको टर्न बाई टर्न इसमें नेविगेशन दिया गया है, आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ। एंड उसके बाद में आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सीट के नीचे है ना आपको जो चार्जर है USB चार्जर वो दिया गया है। एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अब इसकी जो लाइट है ना वो थोड़ी सी नीचे कर दी गई है। मतलब मैंने से नीचे इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब सामने ज़्यादा दिखेगा नहीं, उसको एक ऐसी जगह पर रखा गया है कि आपको साइड की रोशनी भी आपको अच्छी मिले और अगर आप नाइट में राइड करते हो वो टाइम पर आपको सामने भी अच्छे से रोशनी दिखे। पहले वाले में शायद कुछ कंसर्न थे जो लोगों ने शायद रिपोर्ट किए हैं हीरो को, तो वो 153 किलो की ये बाइक है। एंड सीट हाइट है 795 mm, 175 mm इसका ग्राउंड है, क्लियरेंस है। तो चलते हैं हम राइड पे, एंड चलने के टाइम पे आपसे बात करेंगे कि भाई ये चलने में कैसी है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये बाइक का 200cc सेगमेंट में ये हो जाता है कि आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत अच्छा मिलता है। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो मेरे हिसाब से आप कोई भी बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर से इसको लेके जा सकते हो और ये बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर देती है दो लोगों के साथ। वैसे देखो 200T का मतलब ये है कि आप इसको ट्यूरिंग पे लेके जा सकते हो, कंपनी इसको ट्यूरिंग सेगमेंट में स्टैंड करवाती है कि भाई ये ट्यूरिंग के लिए। हालांकि वाह, इंजन ऑलमोस्ट 10,500 RPM तक चला जाता है, रेड लाइन 10,500 RPM तक करता है। वाह, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लोअर RPM टिल द मिड रेंज, मतलब मिड रेंज खत्म होते होते आपको पावर थोड़ी सी कम फील होती है, बट इनिशियल RPM में ये ज़बरदस्त भागती है, मिड RPM पे भी ज़बरदस्त भागती है। और वही चीज़ मुझे लगता है कि हमें गाड़ी में देखनी चाहिए जब हम एक यू नो डेली कम्यूटिंग की बाइक लेते हैं, तो ये जो बाइक है ना वैसा आपको पावर देती है। रही बात रिफाइनमेंट की, तो भाई देखो थोड़ा सा बज आपको फील होगा हैंडल बार पे एंड थोड़ा सा आपको बज फील होगा यहाँ जो अपना फुटपैक्स है वहाँ पे, बट सिर्फ बज है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं या फिर वाइब्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से आपको चलाने में कोई दिक्कत होगी। गाड़ी आराम से 8,000 to 9,000 RPM तक जाती है नॉर्मली। अगर आप इसको लेके जाओगे तो वो RPM तक आपको कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। उसके ऊपर भी अगर आप हायर गियर में चलाते हो तो आपको वाइब्रेशंस वगैरह नहीं आएंगे। इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, एंड नाउ दैट यू गेट 4-valve इंजन तो जो पिकअप है इनिशियल पिकअप वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है व्हेन यू कंपेयर विद दी ओल्डर वेरिएंट। इससे पहले वाला जो वेरिएंट है उससे कंपेयर करोगे, एंड मेरे हिसाब से आप हाईवे पे 80 से लेकर 90 के बीच में इसको आराम से चला सकते हैं। पूरे दिन आप चलाना चाहो तो चला सकते हैं। वैसे कंपनी बोलती है कि ये 200T है, इसका मतलब ये है कि T का मतलब है कि टूरिंग, बट मेरे हिसाब से
इसमें अगर आप विंडशील्ड वगैरह लगा दो, वाइजर वगैरह लगा दो बड़ा वाला, जिससे क्या है विंड ब्लास्ट नहीं आए, तो आप आराम से 90 प्लस की जो स्पीड है इसमें आप आराम से मेंटेन कर सकते हो। क्रूजिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो तो आपको विंड ब्लास्ट लगेगा इसके ऊपर। आपको एक छोटी सी यहाँ पे विंडशील्ड अगर जुगाड़ कर सकते हो तो वो लगा लो, उसके बाद में आप 80 टू 90 की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो अगर आप ट्यूरिंग वगैरह करते हो। तो इंजन काफ़ी रिफाइंड हो चुका है, स्पेशली अब आपको जो इनिशियल पिकअप है और जो मिड रेंज का पिकअप है ज़्यादा देखने को मिलेगा। रही बात गियर शिफ्ट की, तो जो क्लच का फील है वो बीच में है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा यू नो स्मूथ भी नहीं है, आपको ज़्यादा मशक्कत करने नहीं पड़ेगी इसका क्लच बार बार अगर आप गियर चेंज करते हो तो, क्लच पुल करने में आपको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गियर शिफ्ट काफ़ी अच्छा है बाइक का, गियर शिफ्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रही बात ब्रेक्स के बारे में, तो पीछे आपको जो ब्रेक मिलता है वो डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ABS नहीं मिलता है। यहीं पे मुझे लगता है कि कंपनियों को जो नया जो वेरिएंट दिया है उसके अंदर अगर ड्यूल चैनल ABS आपको देखने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता, मतलब ब्रेकिंग आपको और अच्छी मिल जाती थी। पीछे का जो ब्रेक की जो बाइट है वो बहुत तगड़ी है भाई, मैंने थोड़ा सा ब्रेक को दबाया और गाड़ी, ये देखो मैं पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ, तो पीछे की ब्रेक की बाइट काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड नाउ दैट यू गेट रेडियल टायर, पीछे आपको रेडियल टायर मिलता है, उससे क्या है थोड़ा सा फैट और वाइट टायर होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आता है ब्रेक लगाने के टाइम पे। सामने का जो ब्रेक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, ये देखो। थोड़ा सा सस्पेंशन मुझे लग रहा है कि इसका सॉफ्ट है, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा जैसे ब्रेक मारते हो तो गाड़ी ऐसे डाइव इन होती है नीचे। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो आपको बता दूं देखो ये जो सस्पेंशन है ना ये थोड़ा ज़्यादा है, मुझे सॉफ्ट लगा बिकॉज अभी मैं जब इसको जहाँ पे मैं शूट कर रहा था वहाँ पे लेके आया तो मेरे एक दोस्त के साथ आया था, उसका वेट ऑलमोस्ट 95 किलो है, तो जब मैं उसके साथ आ रहा था तो मुझे सॉफ्ट सस्पेंशन लगा, मतलब गाड़ी बहुत ऐसे मतलब नीचे जा रही थी। अब इसका एक प्लेसमेंट ये है कि भाई जब आप सिटी में चलाते हो, ख़राब रोड वगैरह रहती है, तो वो टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है। मेनली वही चीज़ के लिए बाइक को बनाया गया है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, मतलब जो कंफर्ट आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप दो लोगों के साथ जाते हो तो सस्पेंशन ट्रैवल जो है ना वो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, तो उससे क्या है आपको जो सस्पेंशन है वो कभी भी बॉटम आउट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सामने आपको 130 mm का ट्रैवल मिलता है, पीछे आपको 110 mm का ट्रैवल मिलता है, एंड पीछे का सस्पेंशन आप थोड़ा चाहो तो सेट भी कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो। अभी जो सस्पेंशन है दोनों मुझे सॉफ्टर साइड में लगे। रही बात माइलेज की, तो देखो माइलेज डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पे, अगर आप आराम से इसको राइड करते हो 60-70 की स्पीड तक आप लेके जाते हो तो आराम से आपको 35 प्लस का माइलेज मिल जाएगा ये बाइक से। एंड वैसे भी देखो अभी जो इंजन का रिस्पांस है इनिशियल RPM में वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो उससे क्या है आपको और ज़्यादा गाड़ी को भगाने का मन करेगा, तो वहाँ पे आपका एक जो माइलेज का फैक्टर है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव चलाते हो तो आपको 35 तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी आराम से आपको माइलेज दे देगी, एंड अगर आप 60-70 की स्पीड पे चलाते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा माइलेज मिलने के चांसेस है। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जो सिस्टम कंसोल है उसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको चलाओ। एट द सेम टाइम सिटिंग पोस्चर एकदम से अपराइट है, और अब आपको थोड़ा वाइड हैंडल बार मिलता है, तो उससे क्या है आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सीट का कंफर्ट का थोड़ा दिक्कत था पहले, जो इससे पहले वाला वेरिएंट था, तो यहाँ पे सीट को जो अभी है काफ़ी यू नो प्रीमियम कर दिया है, थोड़ा जो सीट का कुशनिंग है उसको भी अच्छा किया गया है। हीरो ने सोचा कि भाई जब लोग ज़्यादा इसको सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छा कंफर्ट देना चाहिए, सीट कंफर्ट, बिकॉज 40-50 किलोमीटर जब आप सिटी में चलाओगे तो वो टाइम पे आपको कंफर्ट मिलना चाहिए। तो अभी आपको एक नई सीट मिलती है, डिज़ाइन भी चेंज है, कुशनिंग जो है सीट की वो चेंज है, तो आपको मेरे हिसाब से अब कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि सीट उतनी सॉफ्ट नहीं है अभी, बिकॉज मैं इतनी देर से इसको चला रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। हालांकि मेरा जो पिलियन था वो ज़्यादा देर तक मेरे पास नहीं बैठा, तो उनका एक्सपीरियंस लेना अभी ठीक नहीं रहेगा, बट जो राइडर की सीट है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप हाईवे पे भी इसको लेके जाना चाहो, लॉन्ग राइड करना चाहो, तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी इश्यूज़। तो ये जो बाइक का वज़न है ना, ये 200cc सेगमेंट के हिसाब से अगर देखोगे ना तो उतना ज़्यादा वज़न भी नहीं है गाड़ी का, आराम से आप लेफ्ट और राइट कर सकते हो। मैनोवरेबिलिटी जो है गाड़ी की सिटी में राइड करने की वो बहुत अच्छी है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो। सीट हाइट है ना उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी हाइट 5.3-5.4 है तो भी आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो, जो मुझे एक प्लस पॉइंट यहाँ पे लगता है। अब बात ये आती है कि भाई आपको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, बिकॉज देखो ये इंजन कैटेगरी में बहुत सारी बाइक्स ऐसी है जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी, तो फिर आपको ये वाली क्यों लेनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई देखो ये गाड़ी का मेंटेनेंस डर्ट चीप, बहुत चीप है। इसका पूरा हैंडल बार
किसी ने मुझे बताया था कि पूरा जो हैंडल है ये 300 रुपये में आता है भाई, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको कंसिडर करने चाहिए। तो एक चीज़ वो होगी, दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई टॉल मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मतलब आपको इनकी जो एक्सपल्स है, जो एडवेंचर ऑफ रोड है, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, मतलब आपको फील वही देगा। एनीवेज ये जो है ना गाड़ी इनिशियल में थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छा मतलब पिकअप फील कराती है व्हेन आई कंपेयर विद एक्सपल्स 200 जो एडवेंचर वेरिएंट है। तो मुझे वो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी, बिकॉज जब आप सिटी में चलाओगे ना तो आपको इनिशियल पिकअप अच्छा रहना चाहिए, आप किसी को ओवरटेक करते हो तो वो टाइम पे आपको एक अच्छा इनिशियल पिकअप मिलना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई ये गाड़ी को आप चाहो तो ऑफ रोड भी लेके जा सकते हो, बिकॉज इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 175 mm है, तो वो ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आप इसको चाहो तो कभी कभी ऑफ रोड लेके जा सकते हो। बट ये प्रॉपर एक ऑफ रोड मशीन नहीं है, मतलब आप एकदम से हार्ड कोर एडवेंचर करना चाहो तो वो मुझे लगता है कि इस पर नहीं करो तो अच्छा है। अगर वैसा आपको करना है तो आप 200 जो एक्सपल्स है वो आप ले सकते हैं। एंड चौथी चीज़ ये है कि भाई देखो हीरो का प्रोडक्ट है एंड इतने सालों से, इतने डिकेड से कंपनी मार्केट में है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन इनके रहते हैं। एंड ये बाइक तो बहुत सालों से भी मार्केट में है यार, तो इसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। हालांकि जो सेगमेंट में इसको लॉन्च किया और इसका जो डिज़ाइन वो जो दिया गया है, ये सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स है अभी करंटली मार्केट में, तो थोड़ा सा इसके लिए कंपटीशन जो है ज़्यादा हो गया बाइक के लिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक लो मेंटेनेंस बाइक चाहिए, प्रॉपर आपको अच्छा वाला माइलेज चाहिए एंड हीरो का भरोसा चाहिए, तो आप ये बाइक को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। एंड हीरो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपडेट दे रहे हो तो इसमें आप ड्यूल चैनल एबीएस दे देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।